जब एंकर पे वेसल रहता है तब उसका लोकेशन क्यों चेंज होता है और कैसे चेंज होता है। ये वीडियो बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो बनाने का रीजन यही है कि मेरे 10-11 साल के जो करियर में मुझे कुछ फ्रेशर्स मिलते हैं स्पेशली, वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वेसल तो अभी अहेड में था, अभी स्टर्न में कैसे आ गया, लैंड अभी स्टार्बोर्ड साइड में था, पोर्ट साइड में कैसे आ गया। सो ये वीडियो बनाने का रीजन यही है, सिंपल सा वीडियो है। सो हेलो गाइस, मैं वल्केश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान इन सी फेयर्स वॉइस। सो ये वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि एंकर पे जो वेसल रहते हैं उसका लोकेशन क्यों चेंज होता है एंड एंकर ड्रैग होगा तो कैसे पता चलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें लाइक टाइड है, स्वेल्स है, विंड है, करंट है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है और स्विंगिंग सर्कल किसको बोलते हैं। सो ये पूरा चीज एंकर लीड्स के ऊपर डिपेंड, अगर छोटा लीड रहेगा तो उस हिसाब से उसका स्विंगिंग सर्कल छोटा हो जाएगा एंड बड़ा लीड रहेगा, लॉन्ग मतलब बोलते हो लॉन्ग स्टे, उस हिसाब से उसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। सो एनीवेज मैं आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो में दिखाऊंगा एंड लास्ट में 4 पीक दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल लोकेशन चेंज होने के बाद दूसरे वेसल के लोकेशंस है वो पता चलेगा। सो एनीवेज मैं आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, उस पे से आप लोगों को पूरा आइडिया आ जाएगा। तो हेलो गाइस, पहले मैं आप लोगों को स्विंगिंग सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा। ये वेसल स्विंग हो रहा है जो कि एंकर्ड वेसल है, वो उतने सर्कल में स्विंग होगा जितना उसका लीड है। शॉर्ट लीड होगा तो वो सर्कल शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लॉन्ग लीड होगा, लॉन्ग स्टे होगा, मतलब वो सर्कल उस हिसाब से बड़ा हो जाएगा। सो जो जो भी एंकर पे वेसल आते हैं वो जो भी लोकेशंस है वो मैक्सिमम पोर्ट कंट्रोल लेता है ताकि उन लोग को सेफ डिस्टेंस पता चले एंड अगर अपने से डालना है तो वो कैप्टन खुद ही अपना डिस्टेंस वगैरह मेजर करके एंकर सेफ जगह पे डालता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वेसल्स ऑलरेडी एंकर्ड पे है जो कि इसी तरह से स्लोली स्विंग होते रहेंगे, आप लोगों को वैसे पता नहीं चलेगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड बताया ताकि आप लोगों को आइडिया रहेगा। तो ये सभी अपने स्विंगिंग सर्कल में ही स्विंग करेंगे। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली स्विंग करते रहे, तो इस तरह से कुछ स्विंग करते रहते हैं। सो एक वेसल सपोज अराइव करता है, सो पोर्ट कंट्रोल या फिर मास्टर जो भी है सेम सेफ डिस्टेंस देख के वहाँ पे एंकर ड्रॉप करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर सर्कल से बाहर वेसल जा रहा है या फिर आप लोगों को लग रहा है कि वेसल का जो स्विंगिंग सर्कल है, कोर्स ओवर ग्राउंड है, कुछ ज़्यादा स्पीड बता रहा है, मतलब कि आपका वेसल ड्रैग हो रहा है, सो वो आप लोगों को रडार एक्टिस वगैरह से पता चल जाएगा। सो ये सब जो भी स्विंग वगैरह है वो एक तो डिपेंड करता है वहाँ पे करंट की वजह से, दूसरा है विंड की वजह से, तीसरा है टाइड की वजह से। कभी हाई टाइड हो रहा है तो वेसल लोकेशन चेंज होगा, लो टाइड हो रहा है तो वेसल लोकेशन चेंज होगा। सो और एक चीज़ है लाइक स्वेल। सो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई उन सभी चीज़ों का इफेक्ट होता है वेसल के ऊपर, स्पेशली लोडेड वेसल है उसका थोड़ा सा स्पीड कम रहेगा, बाकी लाइट वेसल है तो उसका स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने जिस हिसाब से दिखाया है सबका लोकेशन अलग अलग हो रहा है, सो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो शेल्टर है मतलब कि लैंड के पास में है तो उसको हो सकता है करंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा, तो उस हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज होगा। सो मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जो रेड एरो वाला वेसल है वो सपोज हमारा है, तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि तीनों वेसल ऑलमोस्ट हमारे आगे की साइड में है, मतलब एक पोर्ट बाव में है, एक राइट हैंड पे, एक स्टारबोर्ड में है। सो इसी तरह से मैं एक और आप लोगों को पिक दिखाना चाहूँगा, इसमें रेड एरो वाले वेसल के आप साइड में जो बीम पे है एक वेसल आ गया है, एक ऑलमोस्ट राइट हैंड पे है और एक ऑलमोस्ट हमारे स्टारबोर्ड बाव में है। सो तीसरी सिचुएशन में आप लोग देख सकते हो कि पूरा कुछ अलग ही चेंज हो गया है, सो ऑलमोस्ट जो कि
हमारे स्टारबोर्ड में थे वो ऑलमोस्ट सभी हमारे पोर्ट में आ गए हैं, एंड जो लैंड है वो हमारे स्टारबोर्ड में दिख रहा है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को पिक दिखाना चाहूँगा, ये रेड एरो वाले वेसल के सभी चीज़ें देख सकते हो। एक वेसल राइट हेड पे आ गया है और दो वेसल हमारे पोर्ट साइड में आ गए हैं। सो इसी तरह से ऑलवेज आप लोगों को हो सकता है लोकेशन चेंज मिले, और हो सकता है कि आप लोगों को सेम लोकेशन भी मिले। सो गाइस, आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वीडियो हो सकता है तो शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे फ्रेशर्स है जिनको थोड़ा सा ये चीज के बारे में नॉलेज कम है। सो आई होप आप लोग ये वीडियो शेयर करोगे उनके साथ भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।